Welcome students, this is lecture number 1 of Microeconomics chapter Price Determination under Perfect Competition or Market Equilibrium. देखिए जब हमने consumer behavior पढ़ा तो producer को constant माना था, जब हमने producer behavior पढ़ा तो हमने consumer को constant माना था, but practical life में ऐसा नहीं होता. Practical life में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों ही मार्केट में होते हैं, दे बोथ आर अवेलेबल इन द मार्केट. और हम मार्केट ले रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नॉट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, नॉट ओलिगोपोली, नॉट ड्यूपोली, वी आर कंसिडरिंग परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कैसे डिसाइड होता है ये देखिए. सी से परफेक्ट कंपटीशन में ये प्राइस गिवन है 10, 20, 30, 40, 50. आई नो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं होता, बट इंडस्ट्री डिसाइड करती है. अगर इंडस्ट्री ने प्राइस 10 डिसाइड किया, से दिस इज क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है. से 1,900, 800, 700, 500. दिस शेड्यूल रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ डिमांड, द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. ये कंज्यूमर का बिहेवियर रिप्रेजेंट हो रहा है. बट हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा है, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है. आप देख सकते हैं जब प्राइस 30 है तो डिमांड सप्लाई के इक्वल है. When the price is 30, demand is equal to supply. That means equilibrium price is equal to rupee 30 and equilibrium quantity is equal to 800 units. Market will be at equilibrium when demand equates supply. जब भी market में demand supply के equal हो जाएगी तो equilibrium struck करेगा. So accordingly ये वो price है जो industry decide करेगी. और हर फर्म परफेक्ट कंपटीशन में 30 रुपीस पे ही चीज़ बेचेगी और मार्केट में 800 चीज़ें बिकेंगी, 800 यूनिट्स. प्लीज़ ओपन पेज 134, प्लीज़ ओपन पेज 134. व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या चीज़ है. द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ द प्राइस एट विच market demand and market supply of the commodity are equal to each other. Equilibrium price वो price है जब market demand market supply के equal होती है. So what is equilibrium quantity? The equilibrium quantity is the quantity at which market demand and market supply of the commodity are equal to each other. So equilibrium price, please underline, is the price, and equilibrium quantity, please underline, is the quantity. So accordingly, जब demand supply के equal हो जाए, जिस price पे होती है वो equilibrium price, जिस quantity पे होती है वो equilibrium quantity. How to determine the equilibrium price and quantity? कैसे determine किया जाता है?
Under perfect competition, the equilibrium price and equilibrium quantity is determined by the market forces, that is, the market demand and market supply of the commodity. जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ये दो ऐसे फोर्सेस हैं जिससे प्राइस डिसाइड किया जाता है किसी भी कॉमोडिटी का. इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड आर द क्वांटिटी एंड प्राइस रिस्पेक्टिवली वेयर एवर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी. फॉलोइंग शेड्यूल एंड फिगर विल इलस्ट्रेट द पॉइंट मोर क्लियरली. प्लीज चेक द शेड्यूल. शेड्यूल कोई भी कर सकते हैं, लर्न करने की जरूरत नहीं है. बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होनी चाहिए, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए. दोनों इक्वल आ रहे हैं 30 पे, बॉक्स बना लीजिए लाइक दिस. ये जो हमने बॉक्स बनाया है, यहाँ बॉक्स बना लीजिए. नाउ लेट्स मेक अ शेड्यूल. शेड्यूल इज देयर. नाउ मेक अ डायग्राम. लेट्स मेक अ डायग्राम. This is downward sloping demand curve. This is upward sloping supply curve. They intersect here. This is equilibrium point. Here we have his price. And here we have his quantity. Please make the diagram. Page 134 पे शेड्यूल के साथ स्पेस गिवन है, वहाँ पे ये डायग्राम बनाइए. फिर उसके नीचे हम एक्सप्लेनेशन देंगे दोनों की इकट्ठी. शेड्यूल और डायग्राम दोनों की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी. Kindly make the diagram. 1 minute for the same. Okay, now the explanation of the diagram and the schedule which is already in your notes. DD is a downward sloping demand curve of the commodity. Which represents law of demand. Full stop. SS is an upward sloping supply curve of the commodity. Which represents law of supply. Full stop. DD intersects SS at point E, comma. Which is the point of equilibrium. Full stop. Comma.
correspond to that OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity determined in the market full stop. Similarly, similarly, rupee 3 is equilibrium price and 30 units is equilibrium quantity. Similarly, rupee 3 is equilibrium price and 30 units is equilibrium quantity as per the schedule. Full stop. This paragraph represents the diagram, grammatical explanation, and this line represents the schedule explanation, tabular explanation. Complete it, speed up, complete kijiye. Okay, niche paragraph mein given hai, padhiye. The decisions of the producers are expressed with market supply. Jo producer ke decisions hai, production function ke, cost ke, revenue ke, wo market supply se nazar aayenge. Whereas decision of consumer is expressed by market demand of the commodity. Aur jo consumer ka decision hai, wo marginal utility, or you may say total utility, or you may say law of demand, or given goods, inferior goods, substitute goods, wo decisions law of demand se nazar aayenge, demand curve se nazar aayenge, market demand se nazar aayenge. The market equilibrium is attained with the mechanism called price mechanism. Aur ye equilibrium apne aap market mein aa jayega, jise hum kahenge price mechanism. Market mein kaise ye equilibrium aata hai, aage wale chapter mein aage hum yahi padhne wale hain. And this is how the market is attained equilibrium. Market attain its equilibrium. This is how it goes. Clear? Now, moving to the concept of excess demand and excess supply. What is the concept of excess demand and excess supply? Dekhiye. अगर मार्केट में कॉमोडिटी का प्राइस ओपी जीरो है, अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रेड साइकिल्स चल रहे हैं, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, मतलब प्राइस ये है ओपी जीरो, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे, तो ये है सप्लाई कर्व क्यूएस, और ये है डिमांड कर्व क्यूडी. ये है सप्लाई, ये है डिमांड. दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड.
मतलब मार्केट में एक्सेस डिमांड है, मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सेलर इतना बेचने को तैयार है, कंज्यूमर इतना खरीदने को तैयार है। अब सेलर प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, प्रोडक्शन को टाइम लगता है ना। जैसे सर्दियों के कपड़े अगस्त में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो जाके दिसंबर में आपको मिलते हैं, ये नहीं दिसंबर में प्रोडक्शन होती है उसकी, ऐसा नहीं होता। जैसे कि काइट्स जनवरी में यूज़ होते हैं तो प्रोडक्शन जैन में नहीं, नवंबर दिसंबर में हो रही होती है। सो अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस ओपी जीरो है तो सप्लाई है ओएस, सप्लायर कम बेचने को तैयार है, डिमांड ज़्यादा है, कंज्यूमर ज़्यादा खरीदने को तैयार है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड ए बी। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन हो दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, प्राइस ये चल रहा है ओपी वन, ज्यादा प्राइस चल रहा है, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई, ओ क्यू डी इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओ क्यू एस इज क्वांटिटी सप्लाइड। और आप देख सकते हैं ये इक्वल टू ईच अदर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, वन इज मोर वन इज लेस, सो दिस मच इज एक्सेस सप्लाई। यहां पर एक्सेस सप्लाई है, मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज नहीं है, बट मार्केट में गुड्स सेल आउट ही नहीं हो पा रहे, तो स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ेगा। पेज नंबर 135, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। When market demand exceeds market supply of a commodity, पहले यहां पर फोकस करेंगे। When market demand exceeds market supply of a commodity at a given price is known as excess demand. किसी प्राइस पर अगर डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से तो उसे एक्सेस डिमांड कहा जाएगा, या कहा जाएगा शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। Whereas market supply exceeds market demand of a commodity at a given price is known as excess supply. मीन्स अगर किसी प्राइस पर, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर किसी प्राइस पर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो उसे हम एक्सेस सप्लाई का नाम देंगे, दैट इज शॉर्टेज ऑफ डिमांड। चेक कीजिए, जब प्राइस वन था तो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। जब प्राइस टू था डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, एक्सेस डिमांड शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। प्राइस थ्री पर इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम। प्राइस फोर और फाइव पे सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, एट प्राइस फोर एंड फाइव देयर इज एक्सेस सप्लाई व्हिच इज आल्सो नोन एज शॉर्टेज ऑफ डिमांड। नीचे ध्यान दें, डीडी इज द डिमांड कर्व वेयर एसएस इज सप्लाई कर्व, एट डीडी इज इक्वल टू एसएस दिस पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब डी डी एस एस के इक्वल है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एट प्राइस ओ पी जीरो डी डी इज ग्रेटर देन एस एस, दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, इट इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। दिस इज एक्सेस डिमांड, इसको हम नाम देते हैं क्यू जीरो क्यू वन। साथ में लिख लीजिए रेफर फिगर वन, साथ में लिख लीजिए रेफर फिगर वन। एट प्राइस ओपी वन एस एस इज ग्रेटर देन डी डी, ये देखिए एस एस इज ग्रेटर देन डी डी, एस बड़ा है डी छोटा है, दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, इट इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट एफ टू जी, पॉइंट एफ टू पॉइंट जी। साथ में लिख लीजिए रेफर फिगर टू, रेफर फिगर टू, मैं सिर्फ क्वांटिटी लिख रहा हूं
क्योंकि डिमांड के लिए होता है क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई के लिए होता है क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे दोनों हैं तो यहाँ अकेला क्वांटिटी आएगा, दैट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड बोथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एड प्राइस ओपी जीरो, डीडी इज ग्रेटर देन एसएस, दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, प्लीज अंडरलाइन। शॉर्टेज ऑफ गुड्स या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, एक्सेस डिमांड को अंडरलाइन करके लिखेंगे, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई रेफर फिगर वन, उसके आगे एट प्राइस ओपी वन, एसएस इज ग्रेटर देन डीडी, दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, अंडरलाइन करके लिख देंगे, शॉर्टेज ऑफ डिमांड, डिमांड की कमी, एक्सेस सप्लाई को अंडरलाइन करके लिखेंगे, शॉर्टेज ऑफ डिमांड, इट इज मेजर्ड एट पॉइंट एफ टू पॉइंट जी, रेफर फिगर टू, पेज 135 है, ये स्पेस खाली है, यहाँ पे ये दो फिगर्स बनाइए, दिस इज एक्सेस डिमांड, अब ये इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा, ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए प्राइस मैकेनिज्म आएगा, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट में चेंजेस आएंगे कि इक्विलिब्रियम आए, कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम देख रहे हैं अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो क्या होगा। पेज 135, ड्रॉ बोथ द फिगर्स, स्पीड अप, गिविंग यू 2 मिनट्स टू ड्रॉ दैट, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, एक्सप्लेनेशन पहले से ही गिवन है, 2 मिनट्स टू ड्रॉ द सेम। One more minute, speed up. राइट नाउ, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड हो तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इफ देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट हाउ द इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक, लेट्स सी। Now this is demand curve of the commodity. This is the supply curve of the commodity. पहले समझेंगे, मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, और हमें पता है ये इक्विलिब्रियम नहीं है, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, ये है क्वांटिटी सप्लाइड ओ क्यू जीरो, और ये है क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू वन, दैट वुड बी ए बी, ये होगी हमारी एक्सेस डिमांड।
क्या ये इक्विलिब्रियम प्राइस है? नहीं। तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि एक्सेस डिमांड है तो प्रेशर पड़ेगा एग्जिस्टिंग स्टॉक पे। जो स्टॉक प्रोड्यूसर ने बनाया हुआ है वो जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा। प्रोड्यूसर को लगता था 1000 जैकेट्स बिकेंगी एक महीने में, और पहले ही हफ्ते में 300 जैकेट सेल आउट होगी या 400-500 जैकेट सेल आउट होगी, तो स्टॉक क्लियर होना शुरू हो जाएगा, जिससे प्रोड्यूसर ये समझ जाएगा कि कंज्यूमर चीज़ खरीदना चाहता है, वो इसका प्राइस बढ़ा देगा। अब एक प्रोड्यूसर नहीं बढ़ाएगा, मार्केट में चेंजेस आएंगे, इंडस्ट्री में चेंजेस आएंगे कि प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। यू कैन टेक, जब कोविड की सिचुएशन एंटर की तो सैनिटाइजर और मास्क का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, अचानक से एक्सेस डिमांड नजर आई। जब प्राइस बढ़ना शुरू हुआ तो सप्लाई बढ़ गई, प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई बढ़ेगी। लॉ ऑफ सप्लाई, जो प्रोड्यूसर्स के वेयर हाउस में सैनिटाइजर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स के वेयर हाउस में मास्क थे, उन्होंने बोला बेचो, प्रॉफिट बहुत है, निकालो। देयर इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स अप। अब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम डिमांड कर्व पे मूव करेंगे, ये प्राइस मैकेनिज्म है जो मैं समझा रहा हूं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लोग क्या करेंगे? अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करेंगे या घर पे खुद मास्क बनाना शुरू कर देंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सैनिटाइजर्स या मास्क का प्राइस ओपी नहीं हो जाता और इक्विलिब्रियम स्ट्रक नहीं हो जाती। सप्लाई बढ़ गई, लॉ ऑफ सप्लाई, डिमांड कम हो गई, लॉ ऑफ डिमांड, और इक्विलिब्रियम स्ट्रक्स, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये जो पूरी चीज मैंने आपको समझाई है इसे कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म, अगर कभी मार्केट इक्विलिब्रियम पे ना हो तो सिर्फ प्रोड्यूसर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कंज्यूमर कुछ नहीं करेगा, दोनों के डिसीजंस इस तरीके से वर्कआउट करेंगे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाए। पेज 136 एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट्स, दीज आर चेन इफेक्ट्स, पहले ये फिर ये। एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट्स, हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटर्मिंड व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो इक्विलिब्रियम कैसे डिटर्मिन होगा? बाय डेफिनेशन इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होती है। दिस मीन्स देयर इज नो एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एट इक्विलिब्रियम प्राइस। रेफर फिगर, दिस इज योर फिगर। एट OP0 लेवल ऑफ प्राइस देयर इज एक्सेस डिमांड। As the market demand is greater than market supply, the pressure exists to move the price upward. क्योंकि सामान अभी produce नहीं हो सकता short period में, तो जो stock पहले से पड़ा है उस पर pressure पड़ेगा और वो महंगा होना शुरू होगा। The quantity supply tends to rise in correspondence with rising price.
आप देख सकते हैं सप्लाई बढ़ेगी बिकॉज प्रोड्यूसर सप्लाई मोर एट हायर प्राइस द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. दिस इंप्लाइज मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई. एट हायर प्राइस ओ पी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस फ्रॉम ओ क्यू जीरो टू ओ क्यू. नाउ देयर इज अ टर्न फॉर कंज्यूमर. कंज्यूमर रिएक्ट टू राइजिंग प्राइजेस. क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं अब कंज्यूमर अपना रिएक्शन देंगे. द क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू फॉल डाउन इन कॉरस्पॉन्ड टू राइज इन प्राइस बिकॉज कंज्यूमर डिमांड लेस एट हायर प्राइस. ज्यादा प्राइस पर वो कम डिमांड करेंगे. ये देखिए डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी. दिस इंप्लाइज मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व डी डी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ई. बी से ई की तरफ जाएंगे. एट हायर प्राइस ओ पी क्वान्टिटी डिमांडेड फॉल्स डाउन टू ओ क्यू वन फ्रॉम ओ क्यू वन टू ओ क्यू. द इक्विलिब्रियम स्ट्रक्स एट पॉइंट ई वेयर ओ पी इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओ क्यू इज इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी. एट प्राइस ओ पी देयर इज नो एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. नो एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम रिक्वायर्ड. क्योंकि डायग्राम की एक्सप्लेनेशन पहले से ही गिवन है. ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए. ये डायग्राम नोट डाउन कीजिए और इसके साथ चेन इफेक्ट्स लिखेंगे. जो चेन इफेक्ट्स मैं बुलेट्स में मेंशन कर रहा हूं कि पहले ये फिर ये फिर ये. 2 मिनट्स ड्रॉ दिस. जो मैंने डायग्राम बनाया है मैं उसकी एक्सप्लेनेशन एक बार दे रहा हूँ चेन इफेक्ट्स में. दैट मींस जो आपको पैराग्राफ गिवन है वो पैराग्राफ को मैंने बुलेट्स की फॉर्म में किया है पॉइंट्स की फॉर्म में. देन यू विल गेट वन एंड हाफ मिनट टू नोट डाउन दैट. सी एट ओ पी जीरो देर इज एक्सेस डिमांड ए बी. एट ओ पी जीरो देर इज एक्सेस डिमांड ए बी. लुकिंग एट डिक्रीज इन स्टॉक प्राइस विल गो अप. स्टॉक कम हो रहा है प्राइस ऊपर जाएगा. एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व फ्रॉम ए टू ई. सप्लाई कर्व में मूवमेंट होगी ए टू ई लॉ ऑफ सप्लाई. एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व फ्रॉम बी टू ई. एप्लीकेशन ऑन डिमांड कर्व बी टू ई. एट पॉइंट ई ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा जहाँ पे ओ पी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. नोट डाउन दिस 1 2 3 4 5. ये 5 पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए. स्पीड अप. वन मिनट कंप्लीट द सम. और अगर आपने कंप्लीट कर लिया इसे अच्छी तरह पढ़िए.
ओके ना, इसका एक सिमिलर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, लिखिए सिमिलर क्वेश्चन इसी के नीचे, लिख लीजिए पेज 136 पे, एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट्स कॉमा हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमिंड व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमिंड व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो तो इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा, बिल्कुल वाइस वर्सा, एग्जैक्ट वाइस वर्सा, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो स्टॉक बिकेगा नहीं, स्टॉक बिकेगा नहीं तो वो प्राइजेस डिक्रीज करेगा, डिस्काउंट मिलेगा तो लॉ ऑफ सप्लाई, कई सप्लायर मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, कहेंगे हमने नहीं बेचना जिनके पास वेयर हाउस है, और लॉ ऑफ डिमांड, लोग चीज़ें खरीदेंगे डिस्काउंट पर और इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा, सो एक्सेस सप्लाई में प्राइस कम होगा तब इक्विलिब्रियम आएगा, एक्सेस डिमांड में प्राइस बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम आएगा। सो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट्स, हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमिंड व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, एंड द आंसर इज वाइस वर्सा, द रिवर्स। हम यहां से नीचे की तरफ जाएंगे, फ्रॉम हेयर विल मूव डाउन, विल डू इट लेटर इन द आगे वाले क्वेश्चन में, हम ये टॉपिक करने वाले हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो हमने आज किए। पेज 151, क्वेश्चन नंबर 6, पेज 151, क्वेश्चन नंबर 6, लेट द इक्वेशन फॉर डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी इज QD इज इक्वल टू 8096 माइनस 3596 P, ये हो गया डिमांड फंक्शन, QS इज इक्वल टू 500 प्लस 4000 P, ये हो गया सप्लाई फंक्शन, दिस इज डिमांड फंक्शन, दिस इज सप्लाई फंक्शन, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम स्ट्रक्स व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्स व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी फुल स्टॉप, दस दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 8096 माइनस 3596 P इज इक्वल टू 500 प्लस 4000 P, पी आ गया 1। जब इस कॉमोडिटी का प्राइस 1 होगा तो इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा, स्टैंड्स फॉर एल्पिन लीबे टॉफी और सेंटर फ्रेश और बूमर और यू में से हाजमुला कैंडी, पुट इन एनी इक्वेशन, किसी में पुट कर दो, पुट पी इज इक्वल टू 1 इन QS, इजी लग रहा है इसलिए, so your answer is equilibrium price is equal to rupee 1 and equilibrium quantity is 4500 units, 1 rupee ki cheez bikegi market mein aur consumer 1 rupee mein khareedenge aur 4500 units bikengi, consumer 4500 units khareedenge,
से दिस इज अ स्मॉल कैंटीन इन अ स्कूल. सो 4500 और इन अ यूनिवर्सिटी एक रुपए की टॉफीज 4500 टॉफीज एक दिन में या एक हफ्ते में बिकेंगी अगर ये डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन सही है तो. स्पीड अप कंप्लीटेड. आज फर्स्ट लेक्चर में हमने किया है हाउ टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम इन मार्केट, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मार्केट इक्विलिब्रियम. फिर हमने कंसेप्ट किया एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का. और फिर हमने एक क्वेश्चन किया और वाइस वर्सा उसका दूसरा, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड हो तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, या अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा. कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. प्राइस मैकेनिज्म, चेन इफेक्ट्स. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.